नमस्कार आदाब, मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार भिवंडी शहर में कोविड के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन कोई लगाम नहीं लगा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग भिवंडी के पत्रकार हैं और आप लोगों की सेवा करते हो, आपको पहले से भी पता है कोरोना बीमारी आने के पहले जिस तरीके के 12 लाख की आबादी के शहर में ये जो हॉस्पिटल है IGM, वो हॉस्पिटल नहीं बल्कि वो स्लाटर हाउस है। वहाँ पे लोग नॉर्मल बुखार और खांसी का तो पेशेंट ठीक नहीं होता, एक एक बेड पे तीन तीन पेशेंट लिटाया जा रहा है और उसको COVID-19 का हॉस्पिटल बनाया गया है। सबसे तो गलत बात यह है। रहा सवाल पूरे शहर के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने भी डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? उनको जब डॉक्टर बनाया था उनके माँ बाप ने तो ये कहा था कि किसी का बाप किसी की माँ सीरियस होकर आएगी तो तुमको छूत छात की बीमारी समझ के उनको हॉस्पिटल से वापस भेज देना। आज काफ़ी तादाद में इस शहर में लोगों की मौत हो रही है निमोनिया, टाइफाइड और बुखार से। लोग उसको समझ रहे कोरोना है, तो कोरोना जब तक मेट्रोपॉलिटन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कोरोना सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक कोरोना किसी को कहने का कोई राइट नहीं है। कोई भी डॉक्टर हो, आप देख लो, अगर चेस्ट का कोई एक्सरे निकालता है, कोई सीटी स्कैन निकालता है, MRI निकालता है, सोनोग्राफी करता है, डायरेक्ट उसको बताया जाता है कोरोना है। ये आखिर खेल क्या चल रहा है? यहाँ की आवाम के, यहाँ के शहरियों से खेला जा रहा है? मैं इस पर बिल्कुल चुप में बैठूंगा और मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हूँ। यहाँ के DCP राजकुमार सिंधे साहब को एक पत्र दिया हूँ और यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को एक लेटर दिया हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ और लोगों के जो वायरल इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया और किसी की मौत हुई, तो हर वो हॉस्पिटल, हर वो डॉक्टर के ऊपर 304(b) के तहत मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा खुद जाके पुलिस स्टेशन के अंदर। एक भी हॉस्पिटल ना यहाँ चलेगा और एक भी हॉस्पिटल ना मैं चलने दूंगा, सारे हॉस्पिटल को सील करवा दूंगा और सारे डॉक्टर की डिग्री कैंसिल कराने के लिए मैं मंत्रालय में मांग करूंगा। देखा जाए कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग सभी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की मांग कर रहे हैं, अगर सभी कोविड सेंटर बन जाएगा तो नॉर्मल पल्सर इलाज के लिए कोविड कोई बीमारी नहीं है। ये सब लोगों को बेवकूफ बना के मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है। ये जो कोरोना बीमारी है इसमें 100 लोगों को अगर हुआ है तो 95 लोग ठीक होते हैं, मगर ये लोगों को मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया गया है कि वो लोग सोच सोच के उनकी मौतें हो रही है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये शहर में जब कोविड पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में फैला था तो ये शहर में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं मिल रहे थे, मगर आज देख रहे हैं तो लाइन लगी हुई है लोगों के मरने की, सिर्फ ये प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही है और इनकी जो मस्ती है वो मस्ती उतार दिया जाएगा और सारे हॉस्पिटल के ऊपर FIR मैं खुद दर्ज करूंगा बैठ के हर पुलिस स्टेशन के अंदर, ये मैं दावे के साथ बात करता हूँ। वरना 24 घंटे के अंदर सारे हॉस्पिटल चालू होना चाहिए और जो नॉर्मल इन्फेक्शन है सबका इलाज होना चाहिए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भिवंडी शहर का मुख्य वैद्यकीय अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के घेरे में है। वो कोई मुख्य अधिकारी नहीं है और वो कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं है, वो एक अंगूठा छाप डॉक्टर है जिसको उन्होंने IGM की जवाबदारी दिया जिसका नाम जेवन धुले, अगर आप देखेंगे तो उसके एग्जाम में कोई और बैठ के पास करवाया है। ये मेरा बड़ा आरोप है उसके ऊपर और कुछ ABCD नहीं आता। उसके खुद के हॉस्पिटल में लोग ठीक नहीं हो पाते, वो चला है IGM का CEO, अपने आप को CEO समझ रहा है, ताबड़तोड़ उसको निलंबित करना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। और वरना खालिद गुड्डू चुप नहीं बैठेगा। टोरेंट को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से टोरेंट को लेकर आपने मीटिंग कराई? टोरेंट की जितनी भी शहर के वासी हैं, सभी धर्म के लोगों से मैं कहूंगा, जहां तक टोरेंट भिवंडी में फैली है कोई भी बिल नहीं भरेगा जब तक कि शासन इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेता। और अगर टोरेंट के लोगों ने कोई दादागिरी की तो हर मोहल्ले में ये सिर्फ मार खाने वाले हैं, कोई शांत नहीं बैठेगा, सब अपने अपने प्रॉब्लम में, सब अपने अपने तकलीफ झेल रहे हैं और ये नालायक लोग सबको बिल भेज के लोगों को हरासमेंट करें, इनको भी इनके भी गलियों गलियों में इनकी मार तोड़ होने वाली, अगर किसी तरीके का किसी को हरासमेंट करेंगे बिल भरने के लिए। सर